है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। कुछ टाइम पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बदला और कुछ साल पहले मैंने इसको शुरू किया था और उसी तरह जैसे आज हम लोग इस बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे उसी तरह मैंने भी इसको समझा था और समझने की कोशिश करी थी। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा जो आज जो जानकारी आप लोगों को दी जाएगी आप उससे 100% अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाएंगे। दोस्तों परिवर्तन जैसा कि आप लोग जानते हैं परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। परिवर्तन के बगैर ये दुनिया नहीं चलती। आप लोगों को पता हो पता है कभी सर्दी आती है कभी गर्मी आती है कभी पतझड़ आती है कभी बरसात होती है। इस तरह मौसम हमेशा हमेशा बदलता रहता है। तो आपको पता है कि जो जो ऊपर वाले ने ही हमें ये परिवर्तन करने का एक नियम दिया है परिवर्तन करने का एक तरीका सिखाया और वो हम प्राकृतिक से अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उस परिवर्तन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और हम आज ये भी सीखेंगे कि हम लोग अपने कैसे घर से ही अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे हम लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस मीटिंग में 30 से 35 मिनट में जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो 100% आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक इस मीटिंग के अंत तक आपको बना रहना है। क्योंकि अगर हम मीटिंग को बीच में छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी छूट जाती है और फिर उसके बाद हमें सारी नॉलेज मिल नहीं पाती है। तो और बोला जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है। इसलिए आज की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों परिवर्तन परिवर्तन क्या है। परिवर्तन सिर्फ एक हमें सोच को परिवर्तित करना है सोच को बदलना है। अगर हम लोग अपनी सोच को बदल देते हैं अपनी सोच के अंदर परिवर्तन ले आते हैं और हम अपने आप को खुद को बदल लेते हैं तो ये दुनिया बदल जाती है। दुनिया बदली बदली आपको नजर आती है। अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो आज बहुत सारे मोबाइल फोन मार्केट में चल रहे हैं लेकिन कुछ टाइम पहले एक मोबाइल फोन हुआ करता था जिसका नाम था नोकिया मोबाइल फोन। लेकिन आज वो मार्केट में बहुत कम है और एक टाइम ऐसा था कि उस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मोबाइल फोन जाना जाता था। और उसके बाद क्या था कि उसके जो मालिक है उसके ऊपर घमंड था गुरूर था कि उससे बेहतरीन कोई फोन तैयार नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया और आज धीरे धीरे करके वो मोबाइल फोन लोगों की पसंद कम होना स्टार्ट हो गया और इस मार्केट में उसकी सेल बहुत कम। वहीं पे दूसरा एक मोबाइल फोन की बात करूं जैसे आईफोन आपने देखा होगा एप्पल फोन हर इंसान के आपको हाथ में मिलेगा। महंगा था महंगा है और महंगा रहेगा। लेकिन वो बिकता क्यों सबसे ज्यादा टर्नओवर सबसे ज्यादा क्यों करता है क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है। तब तक हमारा पहला मॉडल उनका खत्म नहीं होता तब तक दूसरा मॉडल लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद में वो मार्केट में एडवांस में उसकी बुकिंग चालू हो जाती है। उसी तरह एक इंसान को जिंदगी में परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि अगर हम वही काम करते रहेंगे जो काम हमारे बुजुर्गों ने किया था हमें वही मिलेगा जो हमारे बुजुर्गों को मिला था। और आपको याद है कि आपके बुजुर्गों को या हमारे बुजुर्गों को क्या मिला था। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज इस परिवर्तन के बारे में आज इस मीटिंग के बारे में जानते हैं। मैं इस मीटिंग की शुरुआत एक छोटे से सवाल के साथ करता हूं और आप लोगों को लगेगा कि ये किस तरह का सवाल है। दोस्तों क्या आपकी जिंदगी में कुछ सपने हैं। क्या आप अपने सपनों के साथ जी रहे हैं। क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हर इंसान की जिंदगी में सपने होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में सपने होते हैं। जब दुनिया में इंसान आता है तो उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है धीरे 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 करके उसके सपने धीरे धीरे सिमटते चले जाते हैं और उसके सपने बहुत छोटे हो जाते हैं। क्यों। क्योंकि उसकी जो है जरूरतें पूरा करना बड़ी मुश्किल होता है उसके लिए। तो सपने कैसे होते हैं ये थोड़ा सा हमें जानना होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि सपने क्या होते हैं। सपने रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है। मान सम्मान हर इंसान की जिंदगी में हर इंसान अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। लेकिन आज हकीकत क्या है नेता या अभिनेता को मान सम्मान मिलता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जैसा ये अच्छे से आप लोगों को अभी पता चला कि जब लॉकडाउन चला था तो जिन लोगों के अकाउंट में इतना बैलेंस था कि जिनको कोई परवाह नहीं थी कि लॉकडाउन 1 साल भी लगा रहे तो उनको टेंशन नहीं थी कि उनका मकान का किराया कहाँ से जाएगा उनका घर का खर्चा कहाँ से चले। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं था बैंक बैलेंस उनको पता चल गया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी जरूरी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस हर इंसान जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है उसके पास उसके सपनों की गाड़ी हो। हर इंसान चाहता है उसके पास बढ़िया सुंदर सपनों का उनका महल हो। हर इंसान चाहता है वर्ल्ड टूर करना। हर इंसान चाहता है चैरिटी करना दान करना। हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े अच्छे स्कूल में एजुकेशन लें अच्छे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसके बच्चे पढ़ाई करें। हर इंसान चाहता है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना।
हर इंसान चाहता है, लेकिन ये क्या है कि जो हमारी जिंदगी है उसमें इतनी ज्यादा भागदौड़ हो गई है कि ये सारे सपने हम लोग पूरा नहीं कर पाते और फिर हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे कुछ हकीकत जानते हैं, ड्रीम वर्सेस रियलिटी क्या है। सपना तो था मेरा लग्जरी गाड़ी, लेकिन हकीकत ये है कि मैं बाइक पे अपने बच्चों के साथ कहीं घूमता हूँ। सपना तो था मेरा सुंदर सा गाड़ी, लेकिन वो कैसे चेंज हो गया, क्योंकि मैं उस हिसाब से मेरी इनकम नहीं है, अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बाइक से अपना गुजारा कर रहा हूँ। सपना तो था मेरा सुंदर सा घर, लग्जरी हाउस, लेकिन मैं किसी किराए के मकान में या फिर जो हमारे पिताजी ने दादाजी ने जो तैयार किया था या फिर हम उस मकान में रहते हैं। सपना तो था मेरा अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़े, महंगे से महंगे स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, लेकिन हकीकत क्या है कि हकीकत ये है या तो कम फीस में मेरे बच्चे पढ़ते हैं या फिर किसी सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते। क्यों? क्योंकि मेरी जो इनकम है वो इनकम उस तरह से बढ़ नहीं पा रही है जिस हिसाब से मेरे खर्चे बढ़ जा रहे हैं। सपना तो था कि फैमिली को विदेश घुमाऊं, सपना तो था कि अपनी फैमिली को विदेश घुमाऊं, लेकिन हकीकत क्या है कि मैं अपनी फैमिली को कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे, कहीं किसी नदी के किनारे बैठ के हम लोग अपनी पार्टियां मनाते हैं। ये सब हो क्यों रहा है, इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को जानना होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग ये 1960 में एक फैमिली का खर्चा चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी, 100 रुपए में उसका घर का खर्चा चल जाता था। 1980 में अगले 20 साल में एक जीरो बढ़ गया, जिस फैमिली को 100 रुपए में मेंटेन किया जा सकता था उस फैमिली को अभी जरूरत पड़ने लगी 1000 रुपए की हर महीने। अब अगले 20 साल यानी कि 2000 में एक जीरो और लग गया, अगले 20 साल में यानी कि आपको जहां पे 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी वहां पे आपको 10000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। ये दौर बहुत सारे लोगों ने देखा था, और उसके बाद सन 2020 जो अभी अभी हमारी जिंदगी से गया है और उसमें एक जीरो और लगा, और जिस फैमिली की महीने की इनकम 1 लाख रुपए हुआ करती थी या 1 लाख रुपए अभी प्रेजेंट में है, वो फैमिली अपना सही से गुजारा कर पाती। जब ये सारी चीजें, ये जो इनकम हमारी इस तरह से नहीं बढ़ पाती, तो हमारी जिंदगी में कोई भी सपने पूरे नहीं होते, फिर हम अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ 2020-2021 में 1 लाख रुपए कमाने के बाद जिंदगी नो लग्जरियस, ओनली सिर्फ और सिर्फ मेंटेन होती है। दोस्तों यहाँ लग्जरियस जिंदगी नहीं जी सकते 1 लाख रुपए कमा कर। आप लोग जितने भी लोग शहर में रहते हैं या किसी सिटी में रहते हैं तो उनको पता होगा कि अगर उनके पास कोई गाड़ी भी है तो गाड़ी को भी मेंटेन करने के लिए उसको 30-35 हज़ार रुपए की जरूरत होती है, घर को चलाने के लिए भी उसको 30-35 हज़ार रुपए की जरूरत होती है, बच्चों के फीस को भी उनको पैसे की जरूरत होती है। तो 1 लाख रुपए में सिर्फ मेंटेनेंस होता है, ना कि लग्जरी जिंदगी जी जाती है। तो दोस्तों कुछ लोग हैं बहुत, जिनके पास बहुत सारा दिमाग है और बहुत सारा ज्ञान है, वो कुछ ना कुछ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ड्यूटी के बाद प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा टीचर हैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद होम ट्यूशन देते हैं, घर पे बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लर्क हैं जो ड्यूटी के बाद कहीं ना कहीं घर में बैठ के अपने क्लर्क का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जिनकी दुकान में कहीं पे जगह होती है तो वहीं जगह में उसमें जीरोक्स की मशीन लगा लेते हैं। कई लेडीज आपने ऐसी देखी होंगी जो हाउस वाइफ है, घर में अपने घर के काम के साथ साथ कपड़े सिलने का काम, टेलरिंग का काम या ब्यूटी पार्लर का काम स्टार्ट कर देती है। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी दुकान में रिचार्ज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी देखे जिनकी दुकान के ऊपर लिखा होता है यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है। दोस्तों सोचिए कि क्या ये सही है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए किया जाता है कि किसी तरीके से इनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, लेकिन क्या फिर ये अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? फिर भी ये लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उतना ये अर्निंग नहीं कर सकते। तो फिर दोस्तों चलते आगे और जानते हैं कि हम कैसे अपने सपनों को पूरा करें। तो दोस्तों इस दुनिया में 2 तरह के प्लान होते हैं। सबसे पहले मैं एक प्लान पे बात करूंगा जिसका नाम है डिपेंडेंसी प्लान। डिपेंडेंसी प्लान क्या है, ये एक्टिव इनकम बोला जाता है, ये 40 साल तक हम कर सकते हैं, 18 साल की एज से स्टार्ट होता है और ज्यादा से ज्यादा हम 40 साल तक इस पे काम कर सकते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते, उस टाइम पे हमें इनकम भी यहाँ पे नहीं मिलती। अब एक्टिव इनकम में कौन कौन लोग आते हैं, क्या प्रोफेशन इसमें आते हैं, तो उनको हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं इसमें एम्प्लॉयज, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं वो जब तक ड्यूटी करेंगे तब तक नौकरी करेंगे तब तक उनको पैसा मिलता है, जिस दिन उनकी नौकरी बंद उस दिन उनका पैसा
बंद। उसी तरह सेल्फ एम्प्लॉय, छोटी जैसे दुकान खोल लेते हैं, शॉपकीपर वगैरह जो होते हैं, राशन की दुकान खोल दिया या किसी भी तरीके का कोई मोबाइल का दुकान खोल दिया, यानी कि जब तक वो दुकान खुलेगा तब तक वहां कस्टमर आएगा और वहां से वो लोग पैसा कमाएंगे। वहीं पे कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जैसे कि डॉक्टर हैं, सीए हैं, उसके बाद जैसे एडवोकेट हैं, ये सारे लोग हैं जो डेली काम करके पैसा कमाते। जब ये लोग काम को बंद कर देते हैं तो उनका पैसा आना बंद हो जाता है। तो फिर जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिसमें काम को भी हम बंद करें उसके बाद भी पैसा आता है। तो दोस्तों, दूसरे प्लान की आज हम बात करेंगे जिसका नाम है आजादी प्लान। ये पैसिव इनकम इसे बोला जाता है और ये 2 से 5 साल का प्लान होता है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये 2 से 5 साल का प्लान होता है। 2 से 5 साल के बाद आप पूरी जिंदगी यहाँ से फ्री हो सकते हैं। यहाँ पे जब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, टाइम और मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन इनकम कम मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस और नॉलेज हमें बढ़ता चला जाता है, धीरे 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 करके यहाँ से फिर हमारी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है। कैसे, आइए जानते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन लोग आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इसमें ये राइटर, यानी कि आप बुक लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग बुक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते आप, हम लोग बुक अभी नहीं लिख सकते, तो ये हमारे लिए खत्म हो जाता है। लेकिन जो बुक लिखते हैं वो लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। कैसे, लेकिन जब वो बुक लिख रहे होते हैं तब उनको पैसा नहीं मिलता, जब उनकी बुक लिख के मार्केट में जाती है और लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको वहां से पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर वो दुनिया में नहीं भी है तब भी उनकी फैमिली को वहां से पैसा आता है। एक और ऑप्शन है कि आप कोई अच्छा सा सुंदर सा वीडियो या सुंदर सा गाना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुरीली आवाज चाहिए, वो आप लोगों के पास नहीं है, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये कि जब ये गाना रिकॉर्डिंग हो रहा होता है तब भी यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, लेकिन जब लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिलता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने कोई जगह खरीदा और उसमें आपने कुछ मकान बना दिया, कुछ कमरे बना दिए और उसको आपने रेंट पे दे दिया, जब तक वहां से रेंट आएगा तब तक आप वहां से पैसिव इनकम कमाएंगे। और दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर करें क्या जब ये सारी चीजें तो अभी हो नहीं पाती, लेकिन करे क्या। एक और ऑप्शन है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसको हर इंसान कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, और अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको कोई भी इंसान कर सकता है, लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना। ट्रेडिशनल मार्केट क्यों समझना होगा? क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो रिटेलर से लाते हैं। रिटेलर होलसेलर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी। यानी कि कंपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करती है 35 रुपए में और वो कस्टमर तक जाते जाते 100 रुपए का हो जाता है, 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि ये जो बीच में लोग बैठे हुए हैं ये करोड़ों रुपए लगा के रखते हैं, स्टॉक खरीद के रखते हैं, ये अपने पास गोदाम बना के रखते हैं, तो ये बहुत सारा पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये लोग बीच में पैसा कमाते हैं। लेकिन एक और इसमें सबसे बड़ा एक सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हमें प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में टीवी के माध्यम से पता चलता है। वहां पे बहुत सारी सुंदर सी महिला आती है जो बोलती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स है, इस तरह से वो ऐड करती है, तो हम वहाँ मार्केट जाते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीद के लाते हैं। तो ये बीच में जो लगभग 65% जो पैसा होता है ये बीच के जो लोग होते हैं वो कमा लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर को ज्वाइन कर दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो बीच में 60 से 65% का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को मिलेगा। आप यहाँ पे डिफरेंट देख रहे होंगे, ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है जिसका पर्स खाली है, जो ट्रेडिशनल से शॉपिंग करती है, लेकिन नीचे एक लड़की खड़ी है जिसका पर्स भी भरा हुआ है और शॉपिंग भी उसने बहुत सारा करा है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग से शॉपिंग करती है। तो आइए जानते हैं आगे डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये है और सबसे बहुत बेहतरीन है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आप इसे शुरू कर सकते हैं। नो रिस्क, यानी कि जब आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, कोई ऑफिस नहीं किया, कोई स्टाफ नहीं, कोई आपने किराए पे घर नहीं लिया, तो आपका यहाँ पर रिस्क जीरो हो जाता है। अनलिमिटेड इनकम, दोस्तों ऐसे बिजनेस बहुत कम मिलते हैं जहां पे अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग अनलिमिटेड इनकम आपको देती है। फैमिली बिजनेस, आप इसे फैमिली के साथ बिल्ड कर सकते हैं। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ट्रांसफर हो जाता है, आपने शुरू किया, आप अपने बच्चों के नाम, बीवी के नाम, जो आपका नॉमिनी है उसके नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में कई जगह हो चुका है कि जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं जिनको जिनके पापा जी ने स्टार्ट किया था या दादाजी ने स्टार्ट किया, आज उनके बेटे हैं या उनके बेटे उसको बिजनेस को आगे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक और एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होती। सब छठा नंबर जो आता है कि यहाँ पे कोई भी पिछले एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं।
ये सबसे अहम रोल है इसमें। आप लोगों देखिए कि जब कहीं पे हम अगर सफाई के लिए भी नौकरी ढूंढने जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और पैसिव इनकम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पैसिव इनकम का ये सबसे आसान तरीका है पैसिव इनकम करने का। और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है दोस्तों वो है पार्ट टाइम बिजनेस। आप इसे पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, जो जॉब आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं और इसकी खूबसूरती। तो अब ये हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें पता चल गया, लेकिन किस कंपनी के साथ हम इसे स्टार्ट करें। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 1996 में स्टार्ट हुई थी और जिसको स्टार्ट किया था मिस्टर समीर मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर, और उसका एक ही विजन था कि वो हिंदुस्तान के घर घर में आजादी दिलाना चाहते। तो आइए जानते समीर मोदी जी के बारे में कि समीर मोदी जी कि क्या है, मोदी जी का बैकग्राउंड क्या है। तो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो स्टार्ट हुई थी 1933 में, एक बेगमाबाद गांव था जहां पे मोदी शुगर फैक्ट्री 400 रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया था, और शुरू करने वाले थे स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजरल मोदी जी, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था बेगमाबाद जगह पे। आज बेगमाबाद का नाम जो है मोदी नगर के नाम से जाना जाता है। और 1933 से लेकर 1972 तक 27 अलग अलग इन्होंने अलग अलग डिफरेंट कंपनियां खोली, और 1968 में इनके काम से खुश होकर इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद उनके बेटे जिनका नाम है कृष्ण कुमार मोदी जी, और आपको पता है कि शेर का बच्चा शेर ही होता है, और उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, और जो सिर्फ और हिंदुस्तान में जो बिजनेस चल रहा था उस हिंदुस्तान से उस बिजनेस को 90 देश में फैला दिया। जो ग्रुप 400 रुपए से स्टार्ट किया था, आज उस ग्रुप को अगर टोटल देखा जाए 63,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 28,000 से ज्यादा इनके पास एम्प्लॉई है, और इनके पास बहुत सारी कंपनी है, लगभग 29-30 कंपनियां इन्होंने अब तक कंप्लीट कर ली है। उन्हीं के बेटे हैं जिनका नाम है मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने मोदी केयर को शुरू किया था 1996 में। उनका एक ही विजन था कि हिंदुस्तान के घर घर में आजादी पहुंचाना। मोदी केयर के पास क्या है, मोदी केयर के पास लाखों में कंसल्टेंट है, मोदी केयर फाउंडर मेंबर है इर्सा का। इर्सा जरिए समझना जरूरी है दोस्तों, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है मोदी केयर, और जिस तरह बैंक को चलाने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन की जरूरत होती है, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को चलाने के लिए इर्सा की जरूरत होती है। अगर इर्सा में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 साल उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, हिंदुस्तान में वो काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए ये बहुत ही अहम है कि इर्सा में रजिस्टर्ड है या नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए। मोदी केयर का जो बिजनेस है वो अट्रैक्टिव बिजनेस है और रिवार्डिंग बिजनेस है। मोदी केयर के पास बहुत सारे अवार्ड है, मोदी केयर को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, और मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है वो जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि मोदी केयर हमें क्या क्या ऑफर देता है। दोस्तों सबसे पहला हमें हेल्थ बेनिफिट देता है मोदी केयर, दूसरा हमें कंज्यूमर बेनिफिट देता है, तीसरा हमें कंसल्टेंट बेनिफिट देता है। तो चलिए आइए जानते हैं एक एक करके कि इनके बारे में। सबसे पहले हमें हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। हेल्थ बेनिफिट आप लोग सामने है, सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद कैरियर, वेल्थ, मैरिज, फैम, .. बहुत सारे डॉट पीछे लगे हुए। हम लोग बचपन में हम हेल्थ की बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसके बाद कैरियर के पीछे भागते हैं, उसके बाद फिर वेल्थ के पीछे भागते हैं, शादी, फैम, इस तरह हम लोग दौड़ते हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग अपनी हेल्थ को खराब कर देते हैं। दोस्तों सोचिए कि आपने सब कुछ कर लिया और आपकी जिंदगी से हेल्थ खत्म हो जाए तो क्या आपका कैरियर क्या बचेगा, आपका वेल्थ क्या होगा, आपकी मैरिज क्या होगी, यानी कि आपकी जिंदगी बिल्कुल इस कोरे कागज की तरह खाली हो जाती है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, अगर हेल्थ नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपका हेल्थ खराब हो गया तो आप कितनी भी पैसे आपने कमाया हो, कितने भी आप अमीर क्यों ना हो, लेकिन अगर हेल्थ खराब तो आपका पैसा बिल्कुल बेकार है। आप सोचिए कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया, अब आपको शुगर हो गई तो आप तो मीठा नहीं खा सकते, अब वो पैसा किस काम का। आपके पैरों में घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो गया, आपने बहुत बड़ा मकान बनाया, आप छत पे नहीं जा सकते तो उस पैसे का क्या करना। आपको थायराइड हो गया, आपको बीपी लो की परेशानी हो गई, अब जो पैसा आपने कमाया था वो पैसा सारा आपका हॉस्पिटल में जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जरूरी है कि अगर हेल्थ नहीं है तो आपकी जो जिंदगी है हेल्थ के बगैर नथिंग है, बिल्कुल जीरो है। तो आज से हम लोग हेल्थ पे ध्यान देंगे और मोदी केयर हमें हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट लेके आई। सारे प्रोडक्ट मोदी केयर आपकी हेल्थ को लेके तैयार किए गए हैं और आपकी हेल्थ की 100% गारंटी देती है। तो मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको एक और बेनिफिट के बारे में बताता हूँ जो हमारा मोदी केयर का जो हमारा कंज्यूमर बेनिफिट जो है, जो कंज्यूमर बेनिफिट हमें
कंज्यूमर बेनिफिट, कंज्यूमर बेनिफिट क्या क्या फायदे हैं कंज्यूमर बेनिफिट में हमारे? तो दोस्तों अगर हम मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमें इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। सोचिए आप लोग, हमें इंडियन प्राइस में इंडियन इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन मार्केट से खरीदने पे वही हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो मार्केट में चलता है। और सबसे पहला फायदा यह है कि हमें मोदी केयर से खरीदने पर 100% शुद्धता की गारंटी मिलेगी, लेकिन मार्केट में वो भी अवेलेबल नहीं है। हमें मोदी केयर से लगभग 20% तक डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मार्केट में वो भी अवेलेबल नहीं है। एवरेज हम अगर मानते तो 15% की आती है। बोनस जो हमें मिलता है 7-16% मिलता है, मार्केट में वो भी हमें नहीं दिया जाता। हम अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं मोदी केयर से तो दोस्तों 10% एवरेज आपको ऑफर मिलता है, मार्केट में ये भी अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों अगर किसी फैमिली में लगातार आप 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं 6 महीने खरीदने के बाद, या 1 साल में आपको लगभग 15000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है और आप मार्केट से खरीदते हैं तो ये भी आपको अवेलेबल वहां पे नहीं है। तो अगर हम एवरेज निकालें टोटल तो हमें यहाँ पे 60% तक की बचत आ जाती है, 60% तक हमें फायदा होता है मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदने पे। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं मान लीजिए 3500 रुपए का, तो हमें 3500 रुपए में ही मिलेगा, लेकिन मोदी केयर से 3500 रुपए का प्रोडक्ट हमें 3000 रुपए में मिल जाता है। तो हम यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं 500 रुपए की। ट्रांसफर हमारे अकाउंट में जो बोनस आता है लगभग 150 रुपए आ जाएगा, और उसके बाद हमें फ्री प्रोडक्ट 300 रुपए का मिल जाएगा। और लॉयल्टी की बात करें तो 750 रुपए का हमें लॉयल्टी का प्रोडक्ट भी फ्री मिल जाएगा। अब अगर टोटल बात करें तो लगभग 1700 रुपए तक हम यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। 3000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने के बाद हम 1700 रुपए की सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉप चेंज लाइफ चेंज, ये बहुत ही अच्छा एक वर्ड है, शॉप चेंज लाइफ चेंज। यहाँ से कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो आइए मोदी के समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में हम लोग जानते हैं। द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री, अप टू 60% पे आउट ऑफ योर मंथली ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि जो आप महीने में ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं उसका 62% तक ये पे आउट देने वाली कंपनी है, जो इस इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट प्लान है। अकुमुलेटिव प्लान, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। टाइटल फॉर लाइफ टाइम, एक बार जो टाइटल आपको मिल गया वो पूरी जिंदगी आपको मिला रहेगा, कभी भी आपका जीरो नहीं होता। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अपनी खरीदारी के सामान से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट, 100% सर्टिफिकेशन गारंटी। और ट्रेनिंग सिस्टम की अगर बात करी जाए, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, आज के इस युग में, आज के कोरोना टाइम में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो है मोदी केयर के पास। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं, और जो अनलिमिटेड प्लान है जो हमारा, उसके बारे में, जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है, उसमें हम 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, 10 तरह की हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं। जैसे कि एक हम नंबर एक की कि हम 20% सेविंग कर सकते हैं, 20% रिटेल कमा सकते हैं, 7-16% अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस ले सकते हैं, 4% डायरेक्टरशिप ले सकते हैं, 14% टीम बिल्डर ले सकते हैं, और 15% लीडरशिप बोनस ले सकते हैं, 3% ट्रेवल फंड ले सकते हैं, 5% कार फंड ले सकते हैं, 3% ड्रीम हाउस फंड ले सकते हैं, और 2% अटूट बंधन बोनस हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों ये सारे आप लोग जानने के लिए, एक बार जिन्होंने आज इस मीटिंग में आपको इन्वाइट किया था, डिटेल में जानने के लिए उनको कॉन्टेक्ट करना, और इनको डिटेल में जानना ये कैसे कैसे आता है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में बताएंगे। तो इन सब फंड को लेने के लिए हमें कुछ काम करने होते हैं। क्या काम है, वो है 3 गोल्डन रूल। सबसे पहला रूल है हमें इस प्रोडक्ट को 100% यूज करना एंड शेयर करना है, प्रोडक्ट को 100% यूज करना एंड शेयर करना है, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक हमें शेयर करना है, और उसके बाद गो डिजिटल। जैसे आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसी तरह आपको अपने लोगों तक इस आईडी पासवर्ड को शेयर करना है, और उन लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करना है, और डिजिटली हम लोग उनके साथ बात कर सकते हैं और उनके सपनों को पूरा करने में, पूरा कराने में हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। तो गो डिजिटल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम डिजिटली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों आइए आगे जानते हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में क्या क्या मिलता है। अगर आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको विदेश जाने का मौका मिलता है 3%। अगर आप लोग कार फंड में जाते हैं तो आपको 5% गाड़ी खरीदने के लिए कंपनी के टर्नओवर से गाड़ी खरीदने का मौका मिलता है, जिससे आप अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं। और 3% आपको घर खरीदने के लिए पैसा मिलता है जब आप प्रेसिडेंशियल बनते हैं, और 2% अटूट बंधन बोनस मिलता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बोनस है, और यहाँ पे एक टाइटल होता है क्राउन डायमंड डायरेक्टर, और यहाँ पे जो कैपिंग रखा हुआ है वो 21 लाख तक का रखा हुआ है, यानी कि अटूट बंधन बोनस जो 2% है वो आप 21 लाख तक का कैपिंग कमा सकते हैं।
दोस्तों एक फंड इतना बड़ा है तो सोचिए कि अगर टोटल फंड की हम बात करें तो कितना बड़ा होगा। तो चलिए आगे जानते हैं और थोड़े डिटेल में। मान लीजिए हाउ टू अर्न मनी, मान लीजिए हम लोग पैसा कमाना चाहते तो कैसे, हमने शॉप चेंज कर दिया, मार्केट का शॉप चेंज किया, हमने मोदीगिर से प्रोडक्ट खरीदा। अब मैंने खरीदा और मेरे कुछ साथी हैं, साथी कैसे खरीदेंगे, जैसे आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो उसी तरह आप अपने साथियों को अगली मीटिंग जो शनिवार को हम लोग करेंगे उस मीटिंग में आप उनको इन्वाइट करें और यहाँ पे लाके बैठा है, उनके भी ऐसी समझ में आएगा, जिस तरह आपको समझ में आया उसी तरह उनको समझ में आएगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपने दुकान चेंज किया और 6 लोगों को आपने दुकान चेंज करा दिया, सिर्फ और सिर्फ घर की जरूरत का 3000 रुपए का भी प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में 420 रुपए आएगा। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन आज तक कहीं से मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने पे तो आपको 100 रुपए भी नहीं मिला होगा, इसलिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जा सकता है और इसको बहुत बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। कैसे, सोचिए आपको अच्छा लगा, आपके दोस्तों को अच्छा लगा और डिजिटली पे वो लोग आते हैं, डिजिटली इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, उनके भी 6 दोस्त होंगे, उनके 6 दोस्तों ने भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया तो आपका 400 से बढ़कर 2000 रुपए हो सकता है। उसके बाद ये अगर आगे होता है, तीसरा स्टेप जाता है तो दोस्तों आपका 40,000 रुपए हो सकता है। मैं इतना जानता हूं 40,000 रुपए कमाने के लिए आपको सुबह से शाम तक नौकरी करनी पड़ती है और आपके पास हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, अच्छा एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है आपको, तब जाके कहीं आप 40,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की दुकान चेंज कराई और आप यहाँ पे आराम से 40,000 रुपए कमा सकते हैं। 40,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और उसको आप बिल्कुल आसान तरीके से कमा सकते हैं। दोस्तों अगर सोच के देखिए, पहले महीने में आपका सिर्फ पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है 420, दूसरे महीने में आपका दूसरा होता है, तीसरे महीने में आपका तीसरा होता है, 6 महीने भी अगर आपको लगते हैं 40,000 रुपए इनकम पे जाने में तो दोस्तों सोचिए कि घर की खरीदारी करके आप लोग 40,000 रुपए कमा रहे हैं, ये कैसे आप सोचिए। और अगर आगे अगर होता है, ये आगे कॉपी पेस्ट अगर हुआ तो आपकी इनकम यहाँ पे 1,00,000 हो सकती है। दोस्तों जितनी बड़ी आपकी टीम उतनी बड़ी इनकम। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि टीम बनानी पड़ती है, दोस्तों बिल्कुल सही आपने सुना, यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है क्योंकि बगैर टीम के तो आज तक दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं चलता। आप जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन है, सबने टीम बनाई है। टाटा ने टीम बनाई, बाटा ने टीम बनाई, रिलायंस ने टीम बनाई, मोदी ने टीम बनाई, जितने भी लोग सबने टीम बनाई, तब जाके कहीं वो सफल होते हैं। अगर आप लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, टीम पे काम करना पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज करा के अपनी टीम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करें, फ्री में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसके लिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल की जरूरत होती है और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे करा सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसे एज ए कंज्यूमर लें या एज ए बिजनेसमैन या एज ए हम इसे एज ए लाइफ एज ए कैरियर इस बिजनेस को हम चुनते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसे एज ए कैरियर एज ए बिजनेस आप इसको चुनिए, क्योंकि मैं आज से पहले मोदी केयर से पहले मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ करते थे गुड़गांव के अंदर, चार मैं वहां पे एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन वहां पे एक्टिव इनकम पे मैं काम कर रहा था, मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद जब मुझे मोदी केयर के बारे में पता चला कि यहाँ पे पैसिव इनकम कर सकते हैं तो मैंने इस मोदी केयर को पार्ट टाइम स्टार्ट किया और पार्ट टाइम स्टार्ट किया मैंने एज ए कैरियर इसको लिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एक सुंदर सी गाड़ी खरीदी सिर्फ 11 महीने में और उसके बाद मैंने यहाँ से लाखों की इनकम करता हूँ, मैं यहाँ से एक घर खरीद चुका हूँ। ये बहुत सारी चीजें जो मुझे मोदी केयर से मिली है, फॉरेन ट्रिप का क्वालिफायर हूँ, बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप में यहाँ से क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो ये सारी चीज मुझे मोदी केयर से मिली। तो मैं तो आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि इसे आज आप एज ए कैरियर आप इसको सेलेक्ट करिए और डायरेक्ट आप इसे 10% से शुरू करिए, 7 से स्टार्ट ना करके डायरेक्ट 10% से शुरू करिए। 10% शुरू करने के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है, 13,000 रुपए में आप इसे 10% शुरू कर सकते हैं। लेकिन उस 13,000 में आपका फायदा क्या है, 13,000 रुपए में लगभग 6,250 रुपए तक की आपकी बचत हो जाती है। आप सोचिए अगर 13,000 रुपए को आप मार्केट बैंक में जमा करते हैं कितना है? आपको वहां से इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो आप यहाँ पे इतना सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप एक बार जिन्होंने आपको आज बुलाया उनसे कॉन्टेक्ट करें। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के कारण लगभग 130 मिलियन लोगों की जॉब खत्म हो चुकी है, जीडीपी के जो ग्रोथ है वो माइनस में जा चुकी है, बिजनेस जितने भी थे वो 3 साल बैक में जा चुके हैं। अब सारे लोग जानते हैं, हम दोस्तों आंख बंद नहीं कर सकते,
अभी लगभग लगभग बहुत सारे करोड़ों लोगों की और नौकरी खतरे में है। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो अगर हम सोचो कि अगर हम इस सिचुएशन में अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहें और हम कोई ऑप्शन ना ढूंढे, तो ये हमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। आपने देखा होगा मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी बहुत महंगी कारें होती है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक एक्स्ट्रा टायर होता है जिसे स्टेपनी बोला जाता है, क्योंकि तो उनको पता है, उस कंपनी के मालिक को पता है, उस गाड़ी के मालिक को पता है कि कभी भी ये गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा स्टेपनी चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपकी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा स्टेपनी है? अगर नहीं है तो आपको ये बिजनेस की सख्त जरूरत है, बहुत जरूर 100% आपको जरूरत है, और इसको आज से ही आप लोग स्टार्ट करें। और मोदी केयर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें तो आपने नेगेटिव सुनी कि ये पीछे बैक में जा रहा है, बिजनेस खत्म हो गए हैं, लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन वहीं पे मोदी केयर के पास एवरी मंथ जो है 260 करोड़ का टर्नओवर करती है मोदी केयर। सोचिए दोस्तों आप लोग, हर सेकंड में जो बिलिंग होती है, आज से 10 प्रोडक्ट की मोदी केयर की बिलिंग होती है, और पर डे जो ज्वाइनिंग की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा पर डे ज्वाइनिंग मोदी केयर में आती है। तो दोस्तों मोदी केयर की ग्रोथ आप लोगों के सामने है, हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मोदी केयर, जो लॉकडाउन में भी जो नहीं रुकी, लॉकडाउन में जिसने बहुत जबरदस्त स्पीड बना के रखी, और उसके बाद मैं आगे अब चलूंगा, तो आपसे मैं लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर मोदी केयर नहीं तो फिर क्या, और अगर अभी नहीं तो फिर कब, और अगर आप नहीं तो फिर कौन करेगा? तो दोस्तों लास्ट में अब मैं आप लोगों को बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, जो आज के हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, जो हमारा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जो लोग दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, जो लोग आज हमें अपने प्रोडक्ट मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा डॉक्टर नानक चंद। नानक सर, आप रेडी हैं सर? दोस्तों इस डेमो के देखने के बाद आप लोगों से एक सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा मैं, कि जो आपको आज इनवाइट किए उनसे कांटेक्ट करना, और इसके बारे में पूरी डिटेल में जरूर जानना, और आज ही से इस मोदी केयर को स्टार्ट करना। अभी हम प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेंगे। नानक सर आपका कैमरा ऑफ है, प्लीज ऑन करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पापा के पास पेशेंट आए हुए हैं, तो आज उनकी जगह पर मैं डेमो दिखाऊंगी। तो सर मैं डिटॉक्स का डेमो दिखाने वाली हूँ। सर मैं अंजलि, डॉटर ऑफ नानक चंद, राजस्थान से। तो सर मैं आपको डिटॉक्स के बारे में बताऊंगी। डिटॉक्स का डेमो दिखाने से पहले मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहूंगी। जो तो सर नाम से ही पता चलता है, डिटॉक्स जो है वो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर की इंटरनली क्लीन करता है। आज के जमाने में हमें डिटॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर हम नहाते हैं, हम अलग अलग तरह की शैम्पू यूज करते हैं, अलग अलग सोप यूज करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं। तो सर हम अपने शरीर को बाहर से साफ रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो क्या सर हम अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए भी कुछ करते हैं? शायद ही कोई करता होगा। तो सर आज के जमाने में सर हम दूषित दूषित जल भोजन आदि इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कचरा टॉक्सिन भरे होते हैं। तो सर हमारे अंदर की सफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो सर ये मोदी केयर कंपनी का जो